तो आमतौर पर पुलिस की जंग अपराध से होती है, लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जहां एक आम आदमी ने न सिर्फ अपराधी से जंग लड़ी बल्कि पुलिस की कार्यशैली को भी एक सबक दिया। रिपोर्ट देखिए। दरअसल ये कहानी है बरगत नगर जयपुर में रहने वाले 72 साल के कारोबारी नवरतन शर्मा की। हुआ यूं कि सितंबर 2019 में नवरतन शर्मा से दो बदमाशों ने प्लॉट बेचने के नाम पर 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पिछले डेढ़ साल में 30 दबिश देने के बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकी तो परिवादी के बेटे यानी नवरतन के बेटे गिरिराज शर्मा ने साइबर एक्सपर्ट्स और प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से 4 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़वा दिया। एक FIR मेरे फादर के थ्रू 727/2019 मिजाज नगर थाने में एक दर्ज की गई थी सितंबर 2018 में, जिसमें एक परिवाद दिया गया था हमारे द्वारा, जिसमें कि जो आरोपी थे वो मोहन सिंह रामपुरा सीकर रोड वाले, गजेंद्र सिंह दलपत सिंह 391 उद्योग नगर झोटवाड़ा और सुनील शर्मा के खिलाफ दी गई थी, जिसमें कि इन्होंने एक हमको मधुबन कॉलोनी में प्लॉट 60 लाख रुपये में बेचान का एक एग्रीमेंट किया हमारे साथ में, जिसके पेटे इन्होंने हमसे 21 लाख रुपये चेक से प्राप्त किए और जो पैसे प्राप्त किए उसके बाद में रजिस्ट्री नहीं कराई। हमने जब पूरा इसका चेक किया तो पता लगा कि जो इन्होंने प्लॉट जो हमको बताया था उसके सभी दस्तावेज नकली थे। वही इस मामले के लिए जांच अधिकारी प्रकाश विश्नोई के मुताबिक आरोपी पिछले एक साल से पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस जब भी आरोपियों के ठिकाने पर पकड़ने के लिए दबिश देती, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाते थे। ये एक हेरिटेज लेजर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है। इन्होंने परिवादी नवरतन शर्मा, जिनको एक प्लाट मधुबन कॉलोनी बरकत नगर में बेचैन किया और कंपनी के नाम से इन्होंने एग्रीमेंट किया और 60 लाख रुपए में बेचैन हुआ और 20 लाख 15,000 का इन्होंने चेक दे दिया। 21 लाख एग्रीमेंट में थे और उस कंपनी ने काफ़ी समय से इनको प्लाट पर कब्जा देने से आनाकानी कर रहे थे। बाद में इसका पता चला कि इस प्लाट का मालिक कोई दूसरा है, कंपनी के नाम ये प्लाट है ही नहीं। तो परिवादी ने इनके अगेंस्ट 420 और 406 120B की FIR करा। हालांकि इस मामले के एक आरोपी को पीड़ित की मदद से पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन मामले का एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से तकनीक का सहारा लेकर लगातार शातिर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं, वहीं गिरिराज जैसे सतर्क नागरिक ने उसी तकनीक से अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की। इस कहानी से आम लोगों को भी सतर्क और होशियार रहने का सबक लेना चाहिए। जयपुर से सपना शर्मा की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।